हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शर्मा स्टडी सेंटर। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इसका पार्ट वन होगा और पार्ट दो एक या दो दिन के अंदर पार्ट टू आ जाएगा। ठीक है, इस दो पार्ट के अंदर पूरे चैप्टर को कवर करके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उसको कवर करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द केपी अपॉन केसी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए केपी अपॉन केसी रिलेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा केपी अपॉन में केसी इज इक्वल्स टू होता है आर टी के पावर में डेल्टा एन। ठीक, और डेल्टा एन की क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन गैस स्टेंट। इसका वन है तो वन माइनस ये वन वन मतलब टू है, इसका मतलब माइनस वन हो गया, यानी के पी अपॉन में के सी इज इक्वल टू आर टी के पावर माइनस वन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रिया में है ए और पे ए प्लस बी रिएक्ट करके दे रहा है सी प्लस डी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में कंसंट्रेशन ऑफ ए को तथा कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब सी और डी की सांद्रता प्रारंभ में दी गई है आपको 0.8 मोल पर लीटर। ठीक, तथा अभिक्रिया कराई जाती है, समय पर कंसंट्रेशन ऑफ सी का मान 0.8 मोल लीटर हो जाता है। ठीक है, तो केसी का वैल्यू बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हो कि टी स्टेप इसमें होता है, टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो ये 0.8 मोल पर लीटर लिया जाता है, ये भी 0.8 मोल पर लीटर लिया जाता है, तब ये जीरो था क्योंकि अभी अभिक्रिया प्रारंभ हो ही नहीं है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। ठीक, फिर उसके बाद है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मतलब जब टाइम टी इक्वल टू टी था, मतलब कोई भी मान लेते हूँ कि मैं देखिए जो सेकेंड स्टेप होता है वो अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, वन मोल है तो मान लेता हूँ अब वन मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये बी भी तो वन मोल है, सी भी तो वन मोल है, डी भी तो वन मोल है। ठीक, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों ऐड होगा तो एक्स ही मिलेगा, ये दोनों ऐड होगा तो एक्स ही मिलेगा, ये क्या होगा रेस्ट 0.8 माइनस एक्स। ठीक, ये भी 0.8 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका सब मोल पर लीटर में है। ठीक है, तब एक्टिव मास ज्ञात कर लेते हैं, एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं मोल पर लीटर, ये भी होता है, तो मैं क्या करूँगा, क्या एक्टिव मास ये मोल पर लीटर है। ठीक है, कहने का मतलब अगर लीटर नहीं दिया, ये पहले से मोल पर लीटर दिया हुआ है, ठीक, तो मेरा एक्टिव मास भी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, तो इसको देखते हैं। देखिए करना क्या है मेरे को, देखिए करना क्या है, देखिए इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे केपी, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। देखिए डायरेक्ट एक दिया हुआ आपका इक्विलिब्रियम पे ही दिया हुआ है, N2O4 का 0.8 है, N2O4 का 0.8 है, ठीक, और NO2 का 0.5 है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.3 के अप्रॉक्स आएगा, तो आंसर आपका ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि आगे इस पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 4 मोल्स है, यानी दाब का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमको देखना है कि दाब बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, दाब को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दाब को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ शिफ्ट होती है जिधर वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो दाब को बढ़ा रहा हूँ तो अभिक्रिया किधर शिफ्ट होगी, दैट इज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब पूछ क्या रहा है NH3 के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, NH3 बंद किधर रहा है, फॉरवर्ड में, यानी दोनों एरो एक तरफ होने का मतलब क्या हुआ, मोर होता है, दैट मीन मोर फॉर्मेशन, इसका आंसर ये होगा। ठीक,
फिर छठवां में 2NH3 प्लस गिब्स 3H2 प्लस N2 में ये दाब को बढ़ाया जाता है तो NH3 के वियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है इसका मतलब दाब का प्रभाव पड़ेगा, तो हम देखते हैं क्या होगा। दाब को बढ़ा रहा हूँ, दाब को बढ़ा रहा हूँ तो अभिक्रिया उधर शिफ्ट होगी जिधर वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम किधर है, दैट इज आपका बैकवर्ड में है, बैकवर्ड में है। वियोजन किधर हो रहा है इसका, फॉरवर्ड में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लेस डिसोसिएशन होगा, लेस डिसोसिएशन होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है इसमें, देखिए H2+I2 फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन क्या है, H2+I2 गिव्स 2HI, ठीक है, -10 kcal में यदि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो HI के वियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्या कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो हमको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा H को अगर मैं लिखता हूँ अलग तो +100 kcal लिखता हूँ। ठीक, तो प्लस किसके लिए होता है, प्लस आपका एंडोथर्मिक के लिए होता है, किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। तो हम दाब को कम कर रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है कि जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो अभिक्रिया उधर शिफ्ट, आपका अभिक्रिया जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो क्या होगा, पूछा क्या है कि वियोजन जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी इधर शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड में, जब बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है तो पूछ रहा है वियोजन किसका, वियोजन HI का, HI किधर वियोजित हो रहा है, HI किधर वियोजित हो रहा है, HI आपका इधर ही वियोजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मोर डिसोसिएशन होगा इसका, मोर डिसोसिएशन, ऑप्शन ए इज राइट। आठवां क्या है, अभिक्रिया PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5 में यदि कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 इंक्रीज कर दिया जाए तब PCl के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसमें अब जब कंसेंट्रेशन का क्वेश्चन आता है इसमें देखते हैं कि जिसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर या फिर इंक्रीज कर किधर उसका यूज हो रहा है। ठीक, अगर इसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ये यूज किधर हो रहा है, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज हो रहा है। ठीक, PCl के निर्माण पर क्या, PCl बंद किधर रहा है, फॉरवर्ड में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, नवा क्वेश्चन है, N2+3H2 गिव्स 2NH3 में नियत आयतन पर इनर्ट गैस नियॉन को मिलाया जाता है तो NH3 के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नियत आयतन होगा, नियत आयतन होगा तो कोई भी इनर्ट गैस मिलाया जाता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ओस्टवाल का तंगता नियम लागू होता है, ये सभी लोग जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करें, मैं अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स देगी तो मैं और आगे ले जाऊंगा। ओके, बाय।